फोन पता भी नहीं कहाँ है। अब ऐसे अभी हटेंगे यदि हमारा काम ऐसा है। जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने पहले 15 अगस्त के राष्ट्रीय उद्बोधन में इस बात पर मायावती करवा दिया, और योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद महीने के पहले शनिवार को अपने हाथ में झाड़ू लेकर 2 घंटे श्रमदान से सफाई हो इसकी शुरुआत की थी। तो हम लोग इस प्रकार से नहीं है कि अगर आज आप 4.5 साल की बात जो आप कर रहे हो, तो चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये लोग बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे शासक लोग, ये हमारे देश के लिए वरदान है। और मैं समझता हूँ कि जिसका अपना कोई निजी एजेंडा न हो, ऐसा शासक, ऐसा राजा, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा सर, शासकों से शिकायत नहीं है, अधिकारी और कर्मचारियों से शिकायत है, उनकी जो आपके निर्देश आते हैं वो पालन नहीं होते। हाँ, हमारी कोशिश ये है कि निर्देश पालन जरूर हो, और अगर हमारे संज्ञान में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। मिशन के तहत एक बहुत बड़ी रैली मेरठ में निकल रही है, इसकी सच्चाई क्या है, आप बताएंगे कुछ? बहुत अच्छी बात है, निकलनी भी चाहिए और हम भी चाहते हैं कि अच्छा मजबूती पानी चाहिए, मगर हमारे लिए भी तो बाल्मीक समाज के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। कुछ ये सोचना चाहिए कि सुबह 5 बजे से लेके और पब्लिक, महिला हमारी बहने हैं, माता है, सब आ रहा, 2:30 बज रहा है, कोई सुपरवाइजर नहीं पूछ रहा, कोई अधिकारी नहीं पूछ रहा, काम के लिए तो पूछते हैं कि सुबह आ जाओ और काम करो। अच्छा, फिर नहीं पूछना किसी को क्या हो रहा क्या। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आपको बुलाया गया था कि मंत्री जी आएंगे, कौन जी? सुरेश खन्ना साहब आ रहे हैं। सुरेश खन्ना साहब आ रहे हैं। अच्छा, हमने सोचा कि हम भी जाके उनसे मिले, हम भी अपनी फरियाद रखे, अपनी फरियाद रखे, देखो हमारी सुनते हैं क्या नहीं सुनते, कोई क्या 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 फरियाद है। यह है कि 2215 जो सफाई कर्मचारी है उसका बहुत शोषण हो रहा है, तनख्वाह 7,500 रुपए मिल रही है, उसमें से भी काट लेते हैं, मशीनें आ गई छुट्टी हो गई,